ब्रह्मा जी ने एक मनुमय चक्र छोड़ा, याद दीजिएगा कौन सा चक्र छोड़ा, मनुमय। ये यहां जाकर के रुके वहीं तो वो जगह तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। उस चक्र के पीछे पीछे आए संसार में, संस्कृत में चक्र की जो नोक होती है उन्हें बोलते हैं निमी, और जंगल को बोलते हैं अरण्य। तो उस निमी एक अरण्य में आके रुकी, उस तीर्थ का नाम पड़ा नैमिषारण्य। और हकीकत बताएं तो जहां हमारा मन श्री ठाकुर जी की कथा में लगे वही नैमिषारण्य है। अभी आप लोग घर छोड़ करके आए, घर में होते तो किसी को दुकान की चिंता होती, किसी को व्यापार की चिंता होती, किसी को गाय की चिंता होती, किसी को दूध की, अरे ना समय इस समय तो किसी को आरती की चिंता होती मन उस, या फिर आप घर पर कथाकार आ रहे हैं तो कोई आ रहा है तो उससे मिलने की चिंता है, अरे ये हमसे नाराज होके ना चला जाए, इसका स्वागत हुआ कि नहीं हुआ, मन तो विचार। इसलिए नैमिषारण्य वो है जहां केवल हम और दूसरा कोई नहीं। हमारे बालकृष्ण जी जब कथा सुनते हैं, पहली कथा घर की बड़ी अद्वितीय हुई, हिले तक नहीं, एकदम टकटकी लगाए सामने, वो नैमिषारण्य एकदम टकटकी, कोई आ रहा है कौन जा रहा है कुछ नहीं, रूठेगा तो मना लेंगे कोई बात नहीं, संसार का काम ही रूठना है, पर ठाकुर जी नहीं रूठना चाहिए, बड़ी मुश्किल से समय आता है। तो वहां मन हमारा कथा में लगे या निश्चिंत है, जब चाहे जाकर के चाहे, ठाकुर जी प्रकार कृपा से उष्ण उदक तैयार है। उष्ण उदक जानते हैं? नहीं जानते हैं। उष्ण उदक माने गर्म पानी, पत्ती अत्ती डाल के मिलता है ना, उसको कहते हैं संस्कृत में उष्ण उदक। जब मन हो थोड़ा सा कथा में लघु शंका के बहाने उठो और थोड़ा सा एक चुस्की लेके आ, क्या दिक्कत है, आलस्य दूर हो गया है। बाल भोग राजभोग व्यारोग ठाकुर जी की कृपा से जैसा अनुसार, यहां सब चीज से निश्चिंत है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, यही नैमिषारण्य है जहां चिंता ना हो या फिक्र ना हो, जहां हमारा मन प्रभु में लगे वो नैमिषारण्य है, सीधी सी बात।